हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे। चाहे आपने सब्सक्राइब किया हो तब भी कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो आपको पता नहीं चलेगी। फिर आप बाद में बोलोगे कि हमें तो पता नहीं चला, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, पीडीएफ होते हैं या कोई वीडियो होती है, वो मैं वहाँ पर भी पब्लिश करता हूँ। अगर यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो टेलीग्राम के ऊपर आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। तो दोस्तों, आज यहाँ पे कुछ काउंसलिंग रिजल्ट यहाँ पे जारी हुए हैं। 13 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और एडमिशन वाले भी यहाँ पे इस वीडियो को देख लें जिनकी काउंसलिंग थी, तो वो भी इस वीडियो को यहाँ पे देख लें, ठीक है। और कईयों की एडमिशन अभी होनी है, काउंसलिंग होनी है, तो वो भी यहाँ पे देखेंगे। 13 नोटिफिकेशन है, जल्दी से देखेंगे, ठीक है। तो पहला नोटिफिकेशन की अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ, तो पहला नोटिफिकेशन है 709 KB का। तो ये है आपका MSc मैथ्स का, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2021-23। और यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी क्या है कि ऑनलाइन आपको जो है फ़ीस पे करनी है 15 सितंबर से 12:30 के बाद, और 18 सितंबर 12:30 तक आपको जो है, यहाँ 12:30 बजे तक आपको फ़ीस यहाँ पे करनी है। कहाँ से करनी है? www.admissions.hpshimla.in पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फी डिपॉजिट का, वहाँ से आपको फ़ीस यहाँ पे करनी है ऑनलाइन ही, ठीक है। और ये इनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे फ़ीस नहीं पे करते हो, तो ये बहुत ही ध्यान से सुन लेना, अगर आप फ़ीस पे यहाँ पे नहीं करते हो तो आपका जो है यहाँ पे ये जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी, और आपकी जो सीट है किसी जो अगला जो नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा उसको मिलेगी फिर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से देख लेना, तभी मैंने वहाँ पर लिखा है कि ये फ़ीस आपको पे कर लेनी है अगर आपको MSc करनी है। ध्यान से देख लेना, अपने BEd का भी भरा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी भरा होगा, है ना, अदर जो यहाँ पे होते हैं स्टेट्स उनका भी भरा होगा। तो आप देख लेना, 15 से 18 तक आपको ये फ़ीस भरने का इन्होंने टाइम दिया। इसके बाद अगर नहीं भरते हो इसके बीच में, तो आपका जो है सीट फिर किसी और को मिल जाएगी अगर आप फीस पे नहीं करते हो तो, ठीक है। तो ये मार्क्स हैं एंट्रेंस में, कितने मार्क्स हैं वो देख लो, और कौन सी कैटेगरी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। SC आ गई, ST आ गई, PWD, EWS, सिंगल गर्ल चाइल्ड, बार्ड ऑफ HPU एम्प्लॉयज़, ठीक है। और जो आपकी स्पोर्ट्स एंड कल्चर कैटेगरी के लिए जो है वो अलग से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ओके। ये यहाँ पे कहा है। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों दिखा देता हूँ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो 709 KV के ऊपर है, 300 कुछ KV वाला। तो ये है आपका PhD जूलॉजी, और टेंटेटिव लिस्ट यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बताई गई है PhD जूलॉजी के लिए, तो ये भी आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। और इसमें कुछ होगा तो नोटिस ऑफ द अंडर साइन बाई 16 तक आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको जो है फीस पे करनी है 20 तक, यानी कि 20 सितंबर तक आपको फीस पे करनी है। अगर नहीं करोगे तो किसी और को ये सीट आपकी चले जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अपडेट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है 36 KB की। तो ये है आपकी बोटनी की, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट है ये, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हुए हैं PhD बोटनी के लिए, 2021-22 सेशन यहाँ पे रहेगा। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और इसका भी यही है कि आपको 20 सितंबर तक फ़ीस पे करनी है 12:30 बजे तक, ठीक है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, और पूरा पढ़ लेना आप, और अगर नहीं करते हो तो सीट कैंसिल हो जाएगी और जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको मिलेगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट जो रही आपकी 36 KB, ये बोटनी का तो बता दिया, 31 का क्या है ये, अच्छा ये भी हो गया है। और अभी हम देखते हैं 224 KB वाला नोटिफिकेशन। ये है आपका काउंसलिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पॉपुलेशन स्टडीज़ सेशन 2021-23 MA बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनके लिए। तो ये आप देख लो, आपकी 20 सितंबर को होगी 11 बजे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स HP यूनिवर्सिटी शिमला में। और आपको जो अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ओरिजिनल, और एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना है, और उसकी फोटो कॉपीज भी साथ में लेकर जाने हैं, ठीक है। और आपको सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे लगेंगी, और ये कुछ अगर कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों देखें। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो रहा ये 1.7 MB का। तो PhD प्रोग्राम इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, 21 को आपकी काउंसलिंग होगी 11 बजे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है।
तो सभी कैंडिडेट हु आर क्वालिफाई हु क्वालिफाई द बेसिक एलिजिबिलिटी, जो क्वालिफाई करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो वो सब वहाँ पे आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और जितनी भी आपके ओरिजिनल प्लस जो फोटो कॉपीज है वो आपको साथ में लेकर आने हैं। अगर किसी चीज़ का आपको पता करना है या कुछ पता नहीं चल रहा तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों देखें तो नेक्स्ट 303 के वाली ये क्या है, ये है दोस्तों एमएससी मैथ्स के लिए, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ ना। द एडमिशन इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू चेंज, ओके। अच्छा तो ये लिस्ट है दोस्तों, ये आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये आपको शायद मैंने पहले ही बता दी ना, तो इसको देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट दोस्तों नोटिफिकेशन 630 के बी का, ये है काउंसलिंग नोटिफिकेशन 20 सितंबर तक, जो है आपको फीस यहाँ पर काउंसलिंग होगी आपकी 20 सितंबर को, सभी ओरिजिनल और उसके साथ फोटो कॉपीज आपको साथ में लेकर जानी है। 10 से 2 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी, एक मिनट, काउंसलिंग, हाँ ठीक है, तो ये आप देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा 53 KB, ये है आपका ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन भोटी लैंग्वेज सेशन अटेंड काउंसलिंग करनी है, इन ये जो कोर्स है इसके लिए अटेंड आपको काउंसलिंग करनी है 20 सितंबर को 10 से 3 बजे तक, ये होगी सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में, ठीक है। बाकी आप ओरिजिनल और सब कुछ आपको लेकर यहाँ पे जाने हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन बात करूँ दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट नोटिफिकेशन एमए टेंटेटिव मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है फॉर द काउंसलिंग ऑन 16 सितंबर, तो ऑफलाइन मोड के जरिए होगी, कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और पूरा आप यहाँ पे पढ़ लेना क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में नाम होगा ना वो सभी आएंगे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन 1.3 काउंसलिंग पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए, तो ये होगी 21 सितंबर को, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों 40 KB वाला नोटिफिकेशन एमएससी जूलॉजी टेंटेटिव लिस्ट जो आ चुकी है, तो ये आप यहाँ पे देख लो, इसके बाद आपकी फाइनल भी आ जाएगी और फिर आपको 20 सितंबर तक जो है कल आ जाएगी फाइनल, और फिर आपको 20 सितंबर तक आपकी फाइनल आपको जो है यहाँ पे फीस पे करनी है। अगर फीस आप पे नहीं करोगे तो किसी और कैंडिडेट को ऑर्डर के हिसाब से मेरिट के हिसाब से किसी और कैंडिडेट को सीट ये चली जाएगी, ठीक है। 38 KB बोटनी का बता दिया, ठीक है, 390 KB दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ना ये अभी टेंटेटिव है, कल फाइनल आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से लिखा हुआ ना, तो आप पढ़ लेना खुद भी। ये एमएड का रिजल्ट है, एमएड एंट्रेंस का, बहुत सारे पूछ रहे थे कि एमएड का रिजल्ट कब आएगा, तो फाइनली एमएड का रिजल्ट भी आज आ गया है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर लो। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा, ये है एमएससी केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे जो है 15 को यहाँ पे हुई होगी ना, ओके, और यहाँ पर प्रोविजनली अगेंस्ट सब्सिडाइज और नॉट सब्सिडाइज द कैंडिडेट सिलेक्टेड प्रोविजनली एज अंडर, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए, ठीक है, तो इनको क्या करना है, द मेरिट लिस्ट गिवन अब अभी स्ट्रिक्टली ये प्रोविजन है दोस्तों, ठीक है, बाकी जो थी वो अभी टेंटेटिव थी बट ये प्रोविजनल है, तो आपको 20 सितंबर तक फीस पे करनी है 5 बजे तक, अगर नहीं करोगे तो जो वेटिंग में नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको ये सीट चली जाएगी एडमिशन के लिए। और जो नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी हैं उनको 27 तक फीस पे करनी है 5 बजे तक, नहीं करोगे तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो होगा वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उसको कंसिडर किया जाएगा। कहाँ से पे करनी है, admission.hpshimla.in पे ऊपर जाना है, आगे क्लिक कैंडिडेट एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है, आगे क्लिक पे एडमिशन आएगा, ये रिन्यूएबल फी, उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन वहाँ पे करना है, आपको फीस वहाँ पे कर देनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आज की, सभी मैंने बता दी। और दोस्तों बीकॉम फाइनल का भी रिजल्ट आई थिंक आ गया है, और बीए वालों का भी किसी का आया तो वो बता देना, मुझे पता नहीं अभी तक मैंने देखा नहीं, तो बीए वाला किसी का आया तो वो भी यहाँ पे कमेंट कर देना, और बीकॉम वाले भी कर देना, बीकॉम का तो आ ही गया है बट कमेंट करके बता देना पूरा आया है नहीं आया, किस हिसाब से आया, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इन सभी का पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। Thank you.